فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض الكهف الحسين وغياس مزدر مستكين روحي وأرواحي أما بعد، فقد قال مولانا وسيدنا جعفر بن محمد عليهما السلام: إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتى بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلى الخمسين ليلا ونهارا. شيعتنا لا يشربون الخمر ولا يهلون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب ولا يسألون من عدونا ولو ماتوا جوعا. فقيل له عليه السلام: فأين أطلبهم؟ فقال عليه السلام: على رؤوس الجبال وأطراف المدن. صدق مولانا جعفر بن محمد عليهما السلام. سلام. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم انصار علی دمانی ابن رجب علی دمانی کی روح کو پڑھ کر بخش دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
एक सलावत पढ़ दीजिए। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه। जिस हदीस का इंतखाब किया है इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए, उस हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नमा शियातुना युअरफूना बिखिसाल शत्ता। लफ्ज़ इन्नमा अरबी में इस्तेमाल किया था इन्हिसार के लिए, यानी सिर्फ। इन्नमा मीन्स सिर्फ, अंग्रेजी में कहते हैं ओनली। इन्नमा शियातुना युअरफूना, अगर हमारे शियों को पहचानना है, हमारे शिया पहचाने जाते हैं सिर्फ इन खसलतों से। इन्नमा शियातुना युअरफूना बेखिसाल शत्ता, चंद खसलतों से। खसलत है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर शियों को पहचानना है तो देखो कि ये खसलतें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें उनमें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। और फिर इमाम ने बयान करना शुरू किया, जिससे पहली खसलत बयान की, बिसखा वल बज़ल लिल इख्वान। हमारे शिया वो होते हैं जो सखी होते हैं, जो दस्तबाज होते हैं, जो अपने भाइयों से बड़ी सखावत से काम लेते हैं। यहां इमाम ने सिर्फ सखी नहीं कहा, बल्कि कहा सखी बिसखा वल बज़ल लिल इख्वान, यानी अपने भाइयों के लिए, यानी अपने मोमिन भाइयों के लिए बड़े सखी होते हैं। बोखल से काम नहीं लेते हैं, कंजूसी से काम नहीं लेते हैं, बल्कि मुसावात से काम लेते हैं। जब किसी भाई को तकलीफ में देखते हैं तो फौरन उसकी मदद के लिए बढ़ते हैं, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो किसी अपने मोमिन भाई को तकलीफ में देखें और उनके दिल पर कोई असर ना हो। वो शिया हो ही नहीं सकता कि जो तंगदस्त हो, जो यानी जो बखील हो, जो, जो, जो जिसके हाथ बंधे हुए हो, यानी पैसा हो लेकिन खर्च न करे, जो बखील है, जो कंजूस है, वो शिया नहीं हो सकता। शिया हमेशा वो होगा जो सखी होगा, जिसके हाथ खुले हुए होंगे और जो अपने तंगदस्त भाइयों की मदद करेगा। जब किसी तंगदस्त शिया को देखेगा तो उसकी मदद करेगा। तंगदस्त यानी फकीर, फुकरा, मिस्कीन, जिनके पास जो माली एतबार से यानी इतने कवी नहीं है, जिनके पास इतने दुनिया की दौलत नहीं है, तो ये हमेशा उनकी मदद करेंगे ताकि देखिए उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छे मेयार पे आए, ताकि दुनिया वाले उनको इज्जत की निगाहों से देखे, ताकि दुनिया वाले समझे कि हाँ शिया हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इमाम ने सबसे पहली जो सिफत बयान की शियों की, सबसे पहली वो ये है कि शिया अपने भाइयों की मदद करेंगे हमेशा सखावत से, बिसखाए वल बज़ले लिल इख्वान। जाहिर सी बात है, सखावत का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ हलाल चीजों में उनकी मदद करें, हराम चीजों में नहीं। हराम चीजों में मदद करना जायज नहीं है। अगर वो किसी हराम चीज के लिए कोई मदद तलब करे तो वहां उसकी मदद नहीं करता है, सिर्फ अच्छी चीजों के लिए, हलाल चीजों के लिए, जो जो उसकी उसकी बुनियादी जरूरियात है, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज है। लेकिन आमतौर से हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने उनको दिया है, यानी दुनिया की दौलत दी है, लेकिन वो खर्च करते हैं काय के लिए, वो अपने नाम के लिए, नमूद के लिए, शोहरत के लिए, ताकि उनको अलकाब दिए जाए, ताकि उनको टाइटल्स दिए जाए। लेकिन जब किसी तंगदस्त मोमिन को जरूरत पड़ती है तो वो कहते नहीं, अभी आजकल हालात अच्छे नहीं है, आजकल परेशानी, इस तरह कोई भी बहाना बनाकर और फिर उसकी मदद नहीं करते हैं। आप यकीन जानिए कि रिवायात में इतनी ताकीद है इस बात पर कि अभी वक्त नहीं है कि इस एक मजलिस में उसका जिक्र किया जाए। यानी सिर्फ ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है कि कितनी अहमियत अइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रखी है कि जो फुकरा और मसाकीन शिया हैं उनकी मदद करना, मोमिनीन की मदद करना। बहरहाल पहली सिफत यह थी कि इन्नमा शियातुना युअरफूना बिखिसाल शत्ता बिसखाए वल बज़ले लिल इख्वान। ये पहली चीज हो गई, यानी सखी होना चाहिए, शिया कभी कंजूस नहीं होगा। दूसरी सिफत,
وَبِعَنْ يُسَلَّ الْخَمْسِينَ لَيْلًا وَنَحَارًا. شیعہ وہ ہوگا جو دن و رات 51 رکعت نماز پڑھے گا, یعنی 50 رکعت, یعنی 51 کو جو آخری جو یعنی عشاء کی جو دو رکعت وتر ہوتی ہے, عشاء کی دو رکعت وہ ایک گنی جاتی ہے, اس لیے 50 رکعت نماز. خمسین لیلا و نہارا, یعنی 17 واجب اور بقیہ نافلہ مستحب. اتنی تاکید ہے کہ جتنا ہو سکے نماز پڑھے, واجب تو واجب ہے, اور واجب کے لیے خالی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے واجب کے لیے کہ اگر جتنا ہو سکے, ممکن ہو سکے, اول وقت اس کو پڑھیے, جتنا ہو سکے, جتنا ممکن ہو اول وقت اس نماز کو پڑھیے, تاکہ جو روایت ملتا اصول کافی میں جلد 3 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل نے فرمایا کہ جب کوئی مؤمن اول وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی تلقین میں خود پڑھتا ہوں. کون تلقین پڑھتا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں میں خود اس کی تلقین پڑھتا ہوں. عجیب روایت آپ دیکھیے, جس کی تلقین ملک الموت پڑھے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مرتبہ اور اس کا کیا مقام ہے. بس اس لیے بس نماز کو بہت اہمیت دیجئے, بہت زیادہ. البتہ دیکھیں لوگ اکثر جو ہے نا وہ ایک مقایسہ کرنے لگتے ہیں کہ ولایت اور نماز, دیکھیں یہ کوئی مقایسہ نہیں ہے. ولایت اصول دین میں ہے اور نماز فروع دین میں ہے, اصول دین کا فروع سے مقابلہ اور مقایسہ نہیں ہو سکتا. اور وہ نماز جو بغیر ولایت اہل بیت کے اور بغیر محبت اہل بیت علیہ السلام کے پڑھی جائے تو وہ نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں دین میں, اس کے دین میں کوئی اہمیت نہیں. نماز وہی ہوگی کہ جو ولایت محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ پڑھی جائے, اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز ہی پڑھتا ہو. وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے, جو تارک الصلات ہو؟ اہل بیت علیہ السلام نے تارک الصلات کو اپنا دشمن کہا ہے, کہا وہ ہمارا دشمن ہے. اور روایت ایک دم واضح ایک دم کلیئر ہے, من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی, ہمارا چاہنے والا وہی ہے, ہمارا چاہنے والا وہی ہے جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو, اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا وہ ہمارا دشمن ہے. یعنی جو نماز نہیں پڑھا تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. تو اللہ کا نافرمان ہے وہ. اہل بیت نے ایسے آدمی کو اپنا دشمن کہا ہے. تو شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بالکل تارک الصلات ہو؟ روایات میں تو اس حد تک یعنی اس کی مذمت کی گئی تارک الصلات کی, نماز کو چھوڑ دینے کی, کہ جس نے اگر تارک الصلات کو کھانا بھی کھلایا گویا وہ قتل انبیاء میں شامل ہے. اس نے اللہ کے پروفٹس کو, اللہ کے انبیاء کو قتل کیا ہے, اس میں شریک ہوا ہے. یہ روایت موجود ہے. تو کیسے کوئی آدمی خود نماز کو ترک کر سکتا ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں؟ علی کا چاہنے والا نماز کو ترک کرے گا؟ آیا ممکن ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ یہاں تو قضا ہونے کی بات ہو رہی ہے, قضا کی اتنی مذمت ہے تو ترک کی تو یعنی نماز چھوڑ دیں گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ تو واجب نماز کی بات ہو گئی. خود امام صادق علیہ السلام کی وصیت تھی لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة. ابو بصیر اس وقت مدینے میں نہیں تھے جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تو ابو بصیر نے آ کے ان کی ہمشیرہ سے پوچھا کہ امام صادق علیہ السلام نے کوئی وصیت کی تھی؟ کہا ہاں وصیت کی تھی امام نے, اور ان کی وصیت یہ تھی کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاح, ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جو نماز کو ہلکا لے گا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. قیامت کے دن ہر آدمی تقریباً شفاعت کا محتاج ہوگا, اہل بیت کی شفاعت کا محتاج. شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی ہو جو اہل بیت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو.
हर आदमी मोहताज होगा, लेकिन अगर कोई तारिक सलात है, यहां तो तारिक सलात ही बात इमाम ने नहीं की, बल्कि इमाम ने फरमाया कि जो नमाज को हल्का समझे, कि कुरान ने सूरह माऊन में कहा है फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून, यानी वैल जहन्नम में एक वादी है, तो ये दहकती हुई वादी, ये वैली जहन्नम की वैली है, जहन्नम की वादी है, ये उन लोगों के लिए है कि जो नमाज को हल्का समझते हैं, अन सलातिहिम साहून, जो नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो अफराद है। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज को बहुत सीरियस लो, ये तो वाजिब नमाज की बात हो गई। अब दूसरी चीज है मुस्तहब नमाज। देखिए नमाज के लिए पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने नमाज को मेरे लिए कुर्रतो आइन बनाया है, यानी जिससे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है, जिससे मेरी आंखों को ठंडक मिलती है, यानी आंखों को ठंडक मिलना जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ने नमाज को, नमाज ऐसी चीज है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, अल्लाह ने उसको, नमाज को मेरे लिए ऐसी चीज बनाई है, यानी पैगंबर नमाज से मोहब्बत करते थे। आप जानते हैं कि पैगंबर रात को मुसलसल सोते नहीं थे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले जब नमाज, जब रात को सोते थे तो हर थोड़ी देर में उठकर दो रकात नमाज पढ़ते थे और फिर सो जाते थे, हर थोड़ी देर में। यानी पैगंबर की नींद हम लोगों की नींद की तरह नहीं होती थी कि बस वो गफलत की नींद सोए कि जो रात को सोए तो सुबह उठे और नमाज सुबह भी तर्क हो गए, अभी कजा हो गई, सब भूल गए, नहीं वैसे नहीं। पैगंबर बहुत ही हसास, बहुत ही बेदार, पैगंबर हर थोड़ी देर पर उठकर और दो दो रकात नमाज पढ़ के फिर सोते थे। खैर अगर हम वैसा नहीं कर सकते, मुश्किल है, कोई बात नहीं, तो कम से कम जब भी वक्त मिले तो नाफिला जरूर पढ़ें। नाफिला नमाज की बहुत ताकीद की गई है, बहुत ज्यादा। अब लोग कहते हैं कि वो नमाज नाफिला का वक्त वो जोहर से पहले होता है, असर का, यानी असर से पहले होता है नाफिला, और इसलिए हम नहीं पढ़ पाते, यानी कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना। लेकिन रिवायत में बिल्कुल साफ मिलता है जहां तक नाफिला के बारे में है कि नाफिला की मिसाल एक हदीये की मिसाल होती है, गिफ्ट की मिसाल होती है। इमाम फरमाते हैं मता मा उतिया बिहा कुबिलत, जब भी पढ़ी जाए, जब भी पढ़ी जाए अल्लाह इस नमाज को कबूल करता है, क्योंकि हदिया है, तो हदिया जब भी दिया जाए हदिया कबूल होता है। लिहाजा जब भी मौका मिले कभी भी नमाज को तर्क ना करें और नाफिला जितना हो सके पढ़े। इमाम ने बाकायदा ताकीद की हमारे शिया वो होते हैं जो 50 रकात नमाज दिन में पढ़ते हैं, यानी वो मुसलसल उनकी तवज्जो नमाज की तरफ होती है और नमाज पढ़ते रहते हैं। अब देखिए कितनी ताकीद है, और इमाम फरमा रहे हैं हमारे शियों की अलामत यह है, और शिया उसी को कहते हैं जो इमाम के नक्श कदम पर चले। तो फरमाते हैं शियातुना इन्नमा शियातुना युरफून बिखिसाल शत्ता बिस्सखा वल बज़ल वल इख्वान वबे युसल्लल खम्सीना लैलम व नहारा, दिनों रात में 50 रकात पढ़ते हैं, यानी 24 घंटे में 50 रकात नमाज पढ़ते हैं, और यहाँ बिलखुसूस नमाज शब की ताकीद। देखिए नमाज शब के लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, ठीक है आप उठ नहीं पाते हैं ना, तो जब सो रहे हैं तो सोने से पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर सोने से पहले नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आप सुबह उठे नमाज शब का वक्त चला गया कोई बात नहीं, आप नमाज सुबह पढ़ लीजिए, नमाज सुबह के बाद नमाज शब पढ़िए, कजा हो गया तब भी पढ़िए। रिवायत में मिलता है कि जब कोई मोमिन जब नमाज शब की कजा पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र व मुबाहात करता है और कहता है ऐ मेरे फरिश्तों इस बंदे को देखो कि आज इसकी नमाज कजा हो गई है, नमाज शब, ये फिर भी ये उसकी कजा पढ़ रहा है, अगरचे मैंने इस नमाज को उस पर वाजिब नहीं किया है, ये नमाज उस पर वाजिब नहीं है फिर भी ये उसकी उसकी कजा पढ़ रहा है, यानी अल्लाह फख्र और मुबाहात करता है, यानी उस बंदे की क्या मंजिलत होगी कि जिस पर जिसके हक में अल्लाह फख्र और मुबाहात करता है। आप देखिए
इतनी ताकीद है, अब नमाज शब की यानी उसकी अहमियत और उसकी फजीलत अभी इतना वक्त नहीं पढ़े, बस मुख्तसरन ये कि नमाज शब कोशिश करिए कि किसी भी तरह छूटने ना पाए। अगर पहले पढ़ दो पहले पढ़ लीजिए, कजा पढ़ दो कजा पढ़िए, लेकिन मुतवज्जे रहिए। अगर आप 11 रकात नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे जिस वजह से हो, सकता है कि सुस्ती हो, काहली हो, या कोई बीमार हो, या कमजोरी हो, कोई बीमारी हो, कमजोरी हो, कोई भी वजह हो, तो कम से कम 3 रकात पढ़ लीजिए। 3 रकात, 2 रकात शफा की, 1 रकात वत्र की, और जितनी मुख्तसर कोई मसला नहीं है, लेकिन पढ़िए जरूर। और अगर कोई वाकई इतना कमजोर है कि वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, बैठ कर पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द इंटेंशन काउंट्स, द इंटेंशन काउंट, यानी इंसान की नीयत जो है ना वो बता रहे, बताना चाहिए कि भाई मैं सीरियस हूं नमाज शब के बारे में। और नमाज और रिवायात में इसकी बहुत फजीलत है, जिसमें से सबसे मिनिमम बेनिफिट ये है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है नमाज शब। रिवायत में मसाहतुल बदन इमाम ने फरमाया कि ये सेहत के लिए बेहतरीन चीज होती है, बहुत अच्छी चीज। जो इंसान नमाज शब का पाबंद होता है उसको बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां नहीं होती है। बहरहाल अब इमाम फरमाते हैं शियातुना ला यशरबून अल खम्र, हमारा शिया कभी शराब नहीं पिएगा, शराब को हाथ नहीं लगाएगा शिया, अगर शिया है तो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई पी रहा हो तो नीयत करे आज से कभी शराब उसी तरफ देखेगा नहीं। इस्लाम में सिर्फ शराब पीनों पर शराब पीने वालों पर लानत नहीं भेजी गई है, बल्कि 7 लोगों पर लानत भेजी गई है, यानी जो शराब की तिजारत करे उस पर भी लानत है, जो शराब का ट्रांसपोर्ट करे उस पर भी लानत है, जो शराब खरीदे उस पर भी लानत है, जो शराब बेचे उस पर भी लानत है, जो शराब सर्व करे उस पर भी लानत है, जो शराब पिए उस पर भी लानत है, और जो शराब पीने वाले के साथ बैठे उस पर भी लानत है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे दोस्त पीते हैं लेकिन हम नहीं पीते, हम उनके साथ बैठे थे, नहीं, उस महफिल में शरीक होना जहां शराब पी जा रही हो, पीना उस महफिल में शिरकत हराम है, वहां रहना हराम है, वहां रह नहीं सकते। अब यहां बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन वो बिजनेस में करना पड़ता है, वो बिजनेस में जाते हैं तो वो पार्टीज के अंदर नहीं, ये पार्टीज में क्यों करना पड़ता है, वो ऑफिस की पार्टी में नहीं शरीक हो, फिर हमारा फिर कैसे काम चलेगा, क्या अल्लाह राजिक है, आपका रजाक कौन है, कंपनी रजाक है या अल्लाह रजाक है। तो याद रखिए अगर कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना रज़ाक समझता है तो अल्लाह उसको उस आदमी के हवाले कर देता है, फिर जिसके हवाले कर देता है वो ऐसे मोड़ पर लाकर उसको छोड़ता है कि कोई उसका पुरसान हाल नहीं होता, फिर जब वो अल्लाह की तरफ मुड़ता भी है तो उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती है, उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती, फिर कहता है हमारी दुआ पूरी नहीं होती, हमारी दुआ मुस्तजाब नहीं होती, इसीलिए पूरी नहीं होती। जब अल्लाह ने आपको अच्छे हालात दिए थे उस वक्त आप पार्टीज अटेंड कर रहे थे, पब्स में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां शराब पी जा रही है, हराम है। और याद रखिए ये शराब वो चीज नहीं है कि अगर जो खाली पीने वाले को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि शराब वो चीज है जो 7 नस्लों तक उसका असर होता है। अब वो किस तरह असर होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल उसका असर होता है 7 नस्लों तक, ये रिवायात मौजूद है। लिहाजा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना खुद पिए ना ऐसी जगहों पर जाए कि जहां शराब पी जाती है। ऑफकोर्स जैसे जो शिया हुआ तो कभी पिएगा नहीं, और उसमें कोई बहाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, हमारा दीन ही है, हमारा रिलीजन है, हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता कि हम पिए। सीधे से बोलिए जब आप ने दीन पर फख्र करेंगे ना तो लोग आपका भी एहतराम करेंगे, आपके दीन का भी एहतराम करेंगे, क्योंकि आपने अल्लाह के दीन को तरजीह दी है अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी डिजायर्स पर, अपनी प्रेफरेंसेस पर, अपने प्रॉफिट्स पर, आपने अल्लाह के दीन को तरजीह दी है। तो अल्लाह हमेशा आपके इज्जत और आपके वकार को बाकी रखेगा।
شیعتنا لا یشربون الخمر ولا یحرون حریر الکلب, اور ہمارا شیعہ کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرے گا, دم نہیں لائے گا, آواز نہیں نکالے گا. جیسے جب کتا کسی کی خوشامد کرتا ہے تو جو آوازیں نکالتا ہے, دم ہلاتا ہے, وہ سب شیعہ کبھی نہیں کرے گا. حریر القلب یعنی وہ کتے کی خاص آواز ہوتی ہے جو کتا نکالتا ہے, تو ہمارا شیعہ کبھی کسی کے سامنے اس طرح گڑ گڑائے گا نہیں. دیکھیے حدیث کا جملہ کیا ہے, کبھی خوشامد نہیں کرے گا, ہاں صرف ایک ذات کے سامنے خوشامد کرے گا, وہ ذات حق ہے, اللہ کے سامنے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گا, کہ وہ جانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے, وہ جانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے. یا وہ ذوات مقدسہ کہ جن کو اللہ نے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے, وہ سفراء الہی, وہ اللہ کی حجتیں یعنی معصومین علیہ السلام, کہ اللہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نے کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ جب تم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو وسیلے کو تلاش کرو. یہ نہیں کہا وسیلہ بناؤ, بلکہ کہا وسیلہ تلاش کرو, یعنی وسیلہ بنانے والا اللہ ہے, انسان کی ذمہ داری ہے اسے تلاش کرنا. اور ہمارے لیے تو واضح ہے کہ اب وسیلہ کون ہے, تو ہم ان کے ذریعے مانگے, اگر مانگنا تو ان کے ذریعے مانگے, ان کے در پر جائے, ان سے توسل کرے, ان کو وسیلہ بنائے, اللہ سے مانگے ان کو وسیلہ بنا کر, اور ان سے کہیں کہ یا وجیہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یہ طریقہ ہے وقیہ, دوسروں کے سامنے مانگنا کوئی مطلب نہیں ہے. لا یحرون حریر القلب ولا یطمعون طمع الغراب, اور ہمارا شیعہ کبھی بھی کوے کی طرح لالچی نہیں ہوگا, لالچ اس میں نہیں پائی جائے گی. کیوں لالچ نہیں پائی جائے گی؟ کیونکہ دنیا کی لالچ اور یہ حرص وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ایسے ایسے کام کرواتی ہے کہ جو اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے. یہ لالچ ایسی چیز ہوتی ہے, اسے عربی میں حرص کہتے ہیں. حریص یہ جنود الجہل میں سے, کہ انسان امید رکھتا ہے کہ مثلا دنیا والوں کے ذریعے کوئی چیز کو مل جائے گی اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور لالچ کرتا ہے کہ فلاں کے ذریعے کچھ مل جائے گا, فلاں یہ دے دے گا, فلاں دے دے گا, اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے, اس کی خوشامد کرتا ہے, اگرچہ وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ تو اب یہ دنیا کی لالچ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, کسی عہدے کے لیے, سیاسی عہدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کو سیاسی عہدہ مل رہا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی سیاست کے چکر میں کچھ ایسے اپنے ہوتے ہیں جو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو ان سے توقع نہیں ہے, کبھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سیاست یعنی یہ اس عہدے کی لالچ میں, یعنی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے لالچ ہوئی نہیں, اللہ رزاق ہے, اللہ دے گا, اس کا بھی تعلق اللہ کی رزاقیت سے, اللہ کو جتنا دینا ہے دینا ہے. لیکن لالچ اس کو یہ کہتی ہے کہ نہیں اور حاصل کرو, اور حاصل کرو, یعنی قناعت کنٹینٹمنٹ اس میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایک روایت ملتی ہے, اصول کافی میں روایت ملتی ہے, عجیب و غریب روایت ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ جو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی مثال کیا ہوتی ہے, ایک سلک ورم کی طرح ہوتی ہے. سلک ورم وہ جو کیڑا ہوتا ہے جس سے تتلی بنتی ہے, اسے کہتے ہیں سلک ورم, یعنی ریشم کا کیڑا. یہ کیڑا کیا کرتا ہے, روایت کا جملہ ہے کہ یہ کیونکہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے, یہ اپنے اوپر اتنا ریشم لاتا ہے, اتنا لاتا ہے کہ خود اس بوجھ سے نکل نہیں پاتا, اتنا لاتا ہے. وہ سوچتا ہے تھوڑا اور, تھوڑا اور, تھوڑا اور, اتنا لاد لیتا ہے اپنے اوپر ریشم کو
कि अब वो खुद रेशम के बोझ से बाहर नहीं निकल पाता। अब वो कोशिश भी करता है तो बाहर नहीं निकल पाता। हत्ता तमूता गम्मा, रिवायत का जुमला है, यहां तक कि वो गम से मर जाता है। अब जब गम से मर जाता है तो होता क्या है, जब ये रेशम का कीड़ा गम से जब ये मर जाता है तो होता क्या है कि इसको जो दुनिया वाले होते हैं वो रेशम के कीड़े को लेते हैं और खौलते हुए पानी में डालते हैं और फिर उससे रेशम निकालते हैं। तो मेहनत किसने की, इस रेशम के कीड़े ने की। फायदा कौन उठाया, वो जिसने जो इसके मरने के बाद उस किसान ने या जो भी आदमी है जो रेशम बनाता है उसने इससे फायदा उठाया। तो जो जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है उसकी मिसाल यही है कि वो दुनिया की लालच में इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो इतना बोझ अपने सर पे ला लेता है कि उसके बाहर खुद नहीं निकल पाता। और जब उसके बाहर नहीं निकल पाता तो लास्ट में इन्हें प्रॉपर्टी बना लेता है, दौलत बना लेता है, अगर बनाया तो। वो भी वो भी शर्त है कि बहुत बार लोग लालच तो करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया भी घाटे में आखिरत भी घाटे में, जालिका वल खुसरान मुबीन, ये खुला हुआ घाटा है। और लेकिन चलिए समझिए कि दुनिया उसने बना ली। अब दुनिया बनाने के बाद भी हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ कि वो तो मर गया, और मर के गया दहकते हुए, खोलते हुए पानी में गया, दहकती हुई आग में गया, और दुनिया वालों ने जैसे ही वो मरा अब आए उसकी दौलत को तकसीम करना शुरू किया। फायदा किसने उठाया, उसके वरासा ने, उसके एर्ज ने फायदा उठाया। और वो कहां गया, उसका ठिकाना कहां हुआ, जहन्नम हुआ, क्योंकि जिंदगी भर दुनिया के चक्कर में इतना मसरूफ था कि उसने आखिरत हासिल की नहीं, आखिरत को बिल्कुल फरामोश कर गया। बस जो दुनिया के चक्कर में रहता है उसकी मिसाल यही होती है। तो इसलिए हमारा शिया वो होता है जो कभी लालची नहीं होता। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं वला यसअलूना मिन अदुविना वला उमातु जुआ, और कभी भी हमारा शिया कभी हमारे दुश्मनों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, चाहे भूखा ही क्यों ना मर जाए। अल्लाह अकबर, देखिए क्या जुमला हदीस का, कभी शियों का, हमारा शिया कभी दुश्मनों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा जो हमारे जो हम अहले बैत के दुश्मन है। वलौ मातु जुआ, भूखा मर जाएगा। यानी ये कनात का लेवल है शिया की। अब इतनी सिफात सुनी रावी ने तो उसने इमाम से सवाल किया फ़ऐना अतलुबुहुम, ऐसे शिया हमें कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ दो तरह की रिवायत मिलती है। एक रिवायत जो पढ़ी उस रिवायत में इमाम साहब फरमाते हैं अला रुसिल जबाल व अतराफिल मुदन, ये तुमको जबल आमिल में मिलेंगे। जबल आमिल ये नाज लेबनान में, साउथ ऑफ लेबनान जो है, तो वहाँ तुमको इस तरह के शिया मिलेंगे लेबनान में। तो लेबनन में आपको ऐसे शिया मिलेंगे, और उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ी सब इलाके हैं, ये वो अफराद थे जिनको जनाब अबूजर अलैहि रहमत व रिजवान ने शिया किया था। और उनकी तबलीगात का असर देखिए आज तक बाकी है, जबरदस्त पूरा एरिया। क्यों पहले यानी ये पूरा एरिया जनाब अबूजर को वहां एक्सटर्न कर दिया गया था कि ताकि वो न शाम जाए न मदीना जाए, बल्कि शाम इधर यहां रखा गया था, शाम में ही ये ओल्ड शाम था, ये तो यहां रखा गया था। लेकिन यहां भी जनाब अबू जर आए और उन्होंने तबलीग की। इससे एक लेसन ही हम लोग को मिलता है कि अगर हालात हमको दुनिया के किसी भी कोने में लेकर चले जाएं, हमको तबलीग करते रहना चाहिए, कभी तबलीग नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हालात की शिकायत ना करें बल्कि तबलीग करते रहें, और बिलखसूस तबलीग विलायत। यही है दीन, हर हाल में दीन को बाकी रखना, चाहे उसके लिए इंसान को अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े।
और इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो हम अपने गुज़श्तगान पर, अपने मरहूमीन पर गिरिया नहीं करते हैं, हम शुहदाए करबला पर गिरिया करते हैं ताकि उनकी याद हमेशा ताजा रहे, हमेशा। और खुद हमारा इमाम ज़मान गिरिया करता है। एक शख्स बहुत ज्यादा उसके दिल में तमन्ना थी कि इमाम ज़मान की ज़ियारत का शरफ उसे मिले, लेकिन नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था कि एक मर्तबा दुआ करते करते सो गया, आंख लग गई उसकी। जैसे ही आंख लगी तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले को देखा। अब यहां एक चीज याद रखिएगा कि अगर ख्वाब में कोई भी मासूम आए, यानी 14 मासूमीन में से कोई भी मासूम आए, तो वो ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता, वो ख्वाब सच्चा ख्वाब ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने उसे गिरिए का सबब पूछा। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं इतने दिन से गिरिया कर रहा हूं और दुआएं पढ़ रहा हूं कि अपने इमाम की ज्यारत हो, लेकिन मुझे इमाम की ज्यारत का शरफ नहीं हासिल हो रहा है। पैगंबर ने फरमाया कि तुमको इमाम से अगर नजदीक होना है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि तुम मसाइब सय्यदुश्शुहदा पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की मुसीबत को याद करो, क्योंकि ये मफहूम है, ये ख्वाब है कि पैगंबर ने फरमाया मेरा बेटा महदी सुबह और शाम इमाम हुसैन के लिए गिरिया करता है, जैसा कि ज़ियादत नाहिया में है। फलअंजुबन्ना अलैका सबाहन व मसा वला अबकियन्ना अलैका बदलत दुमूए दमा। इमाम ज़मान ज़ियारत नाहिया फरमाते हैं, फलान दुबन अलैका सबाहन व मसा, ए जद्दे बुजुर्गवार, में सुबह और शाम आप पर गिरिया करता हूं और खून खून बहाता हूं आंसुओं के बस। तो अगर कोई इमाम ज़मान से करीब होना चाहता है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि वो सुबह और शाम, चाहे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए इमाम ज़मान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया करे, यानी इमाम हुसैन के लिए, यानी इमाम हुसैन की औलाद के लिए, इमाम हुसैन के असहाब के लिए, रोजाना सुबह और शाम सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, बस ज्यादा नहीं, लेकिन गिरिया करे, आंखों से आंसू बहाए। हाँ अजीजों, हाँ दोस्तों, आज जिसकी मजलिस, जिसके इशारे सवाब के लिए हमारे दोस्त अंसार भाई थे, बड़ी इमाम ज़मान से मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे इमाम ज़मान से, और मोमिन थे, वाकई मोमिन, लिहाजा जो जिक्र होगा वो जिक्र हुसैन होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी रुख्सत के लिए आए तो आखिरी रुख्सत दरे खैमे पर, जब सब शहीद हो गए, यहां तक के जनाब अली असगर भी शहीद हो गए, शिशमा भी शहीद हो गए, अब कोई यावर और मददगार न बचा, कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरे खैमे पर आए, आवाज दी, या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम या फिज़ा या रुकैया अलैकुन्ना मिनस्सलाम, ए ज़ैनब उम्मा कुलसूम, ए फिज़ा रुकैया, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। बस जैसे ही खेमे में यह आवाज गई, जनाब ज़ैनब का कलेजा फट गया, आवाज दौड़ती हुई और पूछा, इस्तस्लमता लिल्मौत, भैया क्या आप मौत के लिए आमादा हैं, क्या आप मरने जा रहे हैं? हुसैन ने जवाब दिया, कैफला यस्तस्लिमु लिल्मौत मन ला मुईन लहू वला नासिर, वो कैसे मौत के लिए आमादा न हो, वो कैसे अपने आप को मौत के हवाले न करे जिसका कोई मुईन
और कोई मददगार न बचा हो। कहा भैया ऐसा ना कहिए, अभी ज़ैनब जिंदा है। कहा फिर मुझे सैयद सज्जाद के पास लेकर चलो। ज़ैनब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू थामा, सैयद सज्जाद को आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद उठो, देखो बाबा आए हैं मुलाकात के लिए। जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने आंखें खोली तो क्या देखा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून में नहाए हुए हैं, जख्मों से चूर है। सैयद सज्जाद पहचान न पाए, कहा फूफी अम्मा कहां है मेरा बाबा। हुसैन ने लेजे से लगा लिया, अरे बेटा कैसे पहचानोगे कैसे पहचानोगे, तुम्हारा बाबा जख्मों में चूर है। अरे बाबा आपकी ये हालत हो गई और मैं इस तरह हूं, बाबा मैं आपकी मदद करूंगा। हुसैन ने कहा नहीं सैयद सज्जाद, ये तुम्हारे जिहाद का मौका नहीं है, करबला तुम्हारे जिहाद का मैदान नहीं है, तुम्हारे जिहाद का मैदान कूफा और शाम के बाजार है। बेटा सैयद सज्जाद सब्र करना, सैयद सज्जाद जब मदीना पहुंचना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना कि जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, और जब किसी बेकस और नातवान को देखना तो मेरी बेकसी को याद कर लेना। यानी ऐसे हालात में भी सैयदुल शुहदा ने आपको याद किया, आपको सलाम पहुंचाया। अब हुसैन चले रुख्सत आखिर के लिए, आए एक मर्तबा खेमे के बाहर खड़े हुए, बस देखा बस मुख्तसर मसाइब आपकी खिदमत में, मुख्तसर मसाइब सुन लीजिए। कि एक मर्तबा हुसैन ने मैदान क़िताल की तरफ देखा, यावर और मददगार सबके लाशें पड़े हुए हैं। आवाज दी या अब्ताल सफा वया फरसान अलहिजा मालकुम अनादीकुम फला तुजीबूनी। ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम मेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कह रहे हो। अजब नहीं कि आवाज की लाशों से आवाज आई, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, अय्यो गुम युकद्दिमु जवादी, तुम में से कौन है जो मुझे सवार करेगा। 28 रजब को इमाम हुसैन ने फरमाया था, या अब्बास या अखी कद्दिम जवादी, ऐ अब्बास है मेरे भाई मेरे घोड़े को ले आओ। अब यहां पूछे कौन है जो मुझे सवार करेगा, कौन है जो मेरे घोड़े को लाए। वो हुसैन के जबान से ये कलिमात अदा न हुए थे कि एक मर्तबा ज़ैनब खैमे के बाहर आई, भैया परेशान न हो परेशान न हो, ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी, अभी ज़ैनब जिंदा है। ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया, ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। मैं आप सब की तरफ से बीबी ज़ैनब के सामने हाथ जोड़कर सवाल करूंगा, बीबी आपने सवाल तो कर दिया, अब ये बताइए कि जब मेरा मौला घोड़े से पुश्त फरस से खाके करबला पर आएगा तो कौन संभालेगा। बीबी आवाज दे कि तुम परेशान ना हो, मेरी माँ फातिमा से। अब हुसैन आए और आने के बाद पहला हमला किया फौज पर, जो पहला हमला किया हुज्जत तमाम करने के लिए, तीन हमले किए। जो पहला हमला किया तो फौज जाकर कादसिया की दीवार से टकराई, हुसैन वापस आए। दूसरा हमला फुरात की तरफ किया, अब जो फुरात की तरफ हमला किया तो फौजों को चीरते हुए फौज फुरात के किनारे पहुंचे। फुरात के किनारे पहुंचने के बाद अजब नहीं कि दिल ने आवाज दी, अब्बास ऐ मेरे भाई उठो उठो मेरी जंग देखो, मैंने तुम्हारे तुम आओ मेरी जंग देखो, मेरी जंग देखो। अब्बास
अब तीसरे हमले के लिए जब हुसैन आए, बस जैसे ही तीसरा हमला किया, थोड़ी देर के लिए हुसैन ठहरे, मक्तल का जुमला है कि एक मर्तबा जैसे ही थोड़ी देर के लिए ठहरे कि आवाज है, आवाज आई आसमान से कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, अब अपने परवरदिगार की तरफ पलटा, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी है और तू अपने परवरदिगार से राजी है। बस ये आवाज सुननी थी कि हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही बाबा ने तलवार को नियाम में रखा तो अशकिया ने बाबा पर ऐसा हमला किया, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा चुभाया, किसी ने तलवार से हमला किया। बस एक मर्तबा हुसैन जब जैसे ही पुश्त फरस से खाके करबला पर आए, बल्कि नहीं नहीं खाके करबला पर नहीं आए, जो तीर पैवस्ता थे जिसमें उन तीरों पर आए, बस हुसैन को जैसे ही देख, जनाब ज़ैनब ने देखा कि भैया दिख नहीं रहे, तो एक मर्तबा बाहर आई खेमे के, अब आवाज दे रही है भैया हुसैन, हुसैन को आवाज दे रही है ज़ैनब, कहीं हुसैन दिखाई नहीं पड़ रहे। मख्तल का जुमला है कि एक मर्तबा तिले ज़ैनबिया पर आई तो वो मंजर देखा जो अल्लाह किसी बहन को न दिखाए, कि देखा कि शिमरे लईन हुसैन के सीने पर सवार है और खंजर लिए हुए सर को तन से जुदा कर रहा है। अब ज़ैनब किससे कहे, अब किससे कहे, जब कुछ बनना पड़ा तो आवाज दिया है पिसर साद, तू देख रहा है मेरा माजाया कत्ल किया जा रहा है, मेरा माजाया कत्ल किया जा रहा है। हुसैन ने जैसे ही ज़ैनब की आवाज सुनी, इशारा किया बहन खेमे में वापस जाओ। हुसैन की गैरत ने इस बात को गवारा ना किया कि हुसैन की जिंदगी में ज़ैनब आए। हुसैन ने इशारा किया, ज़ैनब जैसे ही खेमे में वापस आई, अब जो वापस आई जैसे ही कदम रखा खेमे में, आवाज गूंजी सदा में, अला कोतल हुसैन, सूरज को गहन लगा, सिया दिया चलने लगी, आसमान सिया हो गया, फुरात का पानी नज़े उछला, का बेटा सैयद सज्जाद, ये मैं क्या सुन रही हूँ, जनाबे सैयद सज्जाद गाबू भी अम्मा जरा खेमे का पर्दा तो हटाइए, तो क्या मंजर देखा, देखा नज़े तवील पर इमाम हुसैन का सर, का सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबन रसूलल्लाह, बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम, वसयालम अल्लज़ीन ज़लमू अय्यम क़ल्बी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिल ज़ालिमीन। परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जों को अदा फरमा, जो लावलद है उनको औलाद नेक और सालेह अता फरमा। परवरदिगारा ये वबा जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया को, आलम इंसानियत को, बिलखसूस शेयान हैदर कर्रार को इस वबा से नजात दिला। परवरदिगारा शेयान हैदर कर्रार दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, अतबात आलियात और रोज़ातुल मुकद्दसात की हिफाजत फरमा, जो लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं तो उनकी हिफाजत फरमा, उलमा आलाम और मराज किराम की हिफाजत फरमा।
परवरदिगारा हमको दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और आखिरत में शफ़ात हुसैन और शफ़ात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ फरमा। एक सूरह फातिहा और तीन बार कुल अल्लाह पढ़ के मरहूम अंसार अली दामानी इब्ने रजब अली दामानी की रूह को बख्श दी।